दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल ग्रोट्यूब में। आज जो आप लोग इस वीडियो में आए हैं वो इसलिए आए ये जानने के लिए सोशल मीडिया पे हम लोग पॉपुलर कैसे हों, वायरल कैसे हों, क्या उसके लिए अंग प्रदर्शन करना जरूरी है, जो है गलत भाषा का उपयोग करना जरूरी है, क्या उसके लिए किसी को रोस्ट करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि फलाना तो इसी तरह स्टार बन गया, वो तो इसी तरह स्टार बन गया, आप लोगों के मन में ऐसा कुछ चलता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ, उसको आप झुठला ही नहीं। तो आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको पॉपुलर होना है, अगर आपको स्टार बनना है, अगर आपको वायरल होना है तो क्या करना होगा। तो क्या अंग प्रदर्शन करना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कला दिखानी होगी और वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ दिखानी होगी। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने लिया है रंजीता कुमारी जी को, जो कि अभी अभी वायरल हुई है, जिनका एक्टिंग स्किल बहुत ही शानदार है। इस रंजीता कुमारी जी के बारे में हमारे राजन मुकुट भाई साहब, जो कि A1 बिहार यूट्यूब चैनल के मालिक, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया है और वीडियो में रंजीता कुमारी के बारे में, अन्य रील्स बनाने वाले के बारे में, अन्य जो सोशल मीडिया पर जो पॉपुलर होना चाहते हैं उसके बारे में क्या कहा है, बहुत ही रोचक जानकारी दी है। और इसी तरह जो है लोगों को सपोर्ट कहिए, करते रहिए राजन भाई, आपका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो है और जो भी सफल होना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा गौर से देखें, पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो के बाद। इसको कहते हैं टैलेंट, एक्टिंग देखिए इस लड़की का। देखो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि सबसे पहले छोटा छोटा कपड़ा पहन लो, सबसे पहले खूब तगड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा अगर कुछ रह गया है तो खूब ज्यादा पैसा खर्चा करो वीडियो में, तब भी जाके वायरल होगा। जरा व्यूज देखो इस गाने पे। करे जा तू काहे जिद कैला हमरा जिंदगी में आवे के। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन लड़कियों पर तमाचा जड़ते हैं जो लड़की कहती है कि नहीं, कम से कम गंदा बात तो हमको वीडियो में बोलना ही होगा, कम से कम खराब कपड़ा तो हमको वीडियो में पहनना ही होगा, अरे जब तक अंग प्रदर्शन नहीं होगा तब तक हमारा रील चलेगा ही नहीं। उसके लिए ये लड़की साक्षात जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आके बताती है कि नहीं गुरु, बस आप अपने मड़ई के घर में गरीबी वाले माहौल में भी तगड़ा एक्टिंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। और जब वो शिल्पी राज के गाने पे एक्टिंग करती है, जब वो शिल्पी राज वाले गाने पे गा के एक्सप्रेशन जब जाहिर करती है तो पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर एक्टर है। और रियल में ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। आजकल भोजपुरी के सुपरस्टार क्या करते हैं, ज्यादातर वैसे वैसे लड़कियों को मौका देते हैं जो टैलेंटेड नहीं है, बस अंग प्रदर्शन करती है और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो फलनवा का वीडियो तो वायरल हो गया, अरे फलनवा का पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, और उसमें इतनी भद्दी भद्दी इतनी गंदी गंदी बात रहती है कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रंजीता जैसी लड़की जो है वो भोजपुरी में एग्जाम्पल सेट करती है कि देखिए अच्छे चीज़ों को भी बहुत सारे लोग देखते हैं, और हमको नहीं लगता है कोई कितना भी छोटा कपड़ा पहन के आ जाए, कोई पॉर्न ही शूट कर ले आके रील के नाम पे तो भी 11 मिलियन व्यूज हो जाएगा बस चंद घंटों चंद दिनों में। और एक कमाल का चीज हमको ये लगा कि कोई भी बनावटी पना नहीं है, जो एक्टिंग लगता है वो ओरिजिनल एक्टिंग लगता है। आप जरा इस लड़की के रोने का स्टाइल देखिए, ये एक्टिंग कर रही है। इस लड़की के बात करने का स्टाइल देखिए, इस लड़की को अपने फीलिंग्स को जाहिर करने का स्टाइल देखिए, सब में ये लड़की परफेक्ट है। बस एक चीज इसको रोक रहा है और वो है गरीबी। जी हाँ, अगर इसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा रहता, पहुंच रहता, पैर भी रहता तो खट 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 जादी सुपरस्टार के सामने और जल्दी से वायरल हो जाती और फिल्म में भी मौका मिलता और इसका गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाता। लेकिन इसको मौका नहीं मिलेगा, इसको आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद उस लड़की से आपको कोई मतलब भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जब हम बड़े बड़े सुपरस्टारों के बारे में बात करते हैं तो इन सब लोगों के बारे में भी बात करें, और अब से ये वाला सीरीज भी चलेगा और ऐसे ही एकदम नॉर्मल वे में नॉर्मल लोगों के बारे में बात होगा। तो आप कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं उस लड़की के लिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग देखें, ताकि लोग समझें और लोग जाने कि ऐसा ऐसा टैलेंट हमारे बिहार में ही है, और ऐसे ऐसे लड़की को अगर हीरोइन बनाया जाएगा तब जाके बॉलीवुड बनेगा, तब जाके भोजपुरी में असल टैलेंटेड लोग आएंगे जो भोजपुरी को अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। अब एक रील से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जितना कर रही है उससे तो हम बहुत अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। आपको इसका वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इस वीडियो में देखा कि क्या शानदार चीज़ें उन्होंने बताई है
कि अर्धनग्न होने की या नग्न होने की कोई जरूरत नहीं है, फुहरता परोसने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कला के जरिए वायरल हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आपकी वीडियो वायरल होगी, जैसे रंजिता कुमारी का हुआ है। ये जो है बहुत ही गरीब परिवार से आते और पिछले कई सालों से ये वीडियो बना रहे हैं। ये बात नहीं है कि पिछले महीने से बना रहे हैं, जी नहीं, कई साल, लगभग 2-3 साल से ये वीडियो बना रहे हैं लगातार, और अभी इनका हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो गया है और अब ये स्टार बन गई। तो आपकी भी बारी आएगी बहुत जल्द, तो आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और ये बात नहीं है कि इसी पे डिपेंड हो जाइए, जी नहीं, आप इसको पार्ट टाइम रखिए और उसमें पूरा जान दे दीजिए, जितना भी देर काम कीजिए पूरी जान दे दीजिए, पूरा अपना सारा स्किल लगा दीजिए एक ही वीडियो को बनाने में। और सबसे बड़ी बात कि आपका एट्रैक्टिव, अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो एट्रैक्टिव थंबनेल जरूर बनाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।